तो आप देख रहे हैं सिनेमा कनेक्ट। 26 तारीख को एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था मन्ने नंबर 13। ये कन्नड़ फिल्म थी और अलग अलग लैंग्वेजेस में इवन मलयालम में भी ये डब्ड हुई थी और ये फिल्म से उम्मीद काफी ज्यादा थी लेकिन ये फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। जी हाँ दोस्तों, हॉरर कुछ जिस तरह से हम फिल्में देखते हैं, चार पांच दोस्त लोग एक ही घर में जाते हैं और उस घर में कैसे अलग अलग घटनाएं होने लगती है और उसके बाद एक के बाद एक बंदा मतलब मरने जाते हैं, लोग मरते हैं और एक के बाद एक लास्ट में कोई शायद एक बचता है या दो बचता है या एक भी नहीं बचता है, फिर फिल्म का क्या एंडिंग होता है, उस तरह की फिल्म का थोड़ा सा प्लॉट है, थोड़ा क्या काफी हद तक प्लॉट है। एक बैकड्रॉप जरूर दिया गया है कि कई सारे दोस्त जाते हैं कहीं दूर जंगल में, फिर उसके बाद अलावा खाली रास्ता मिलता है, सब दोस्त लोग गाड़ी भगाते हैं, किसी लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है शायद गाड़ी से, उसके बाद उस लड़की की शायद जान जाने ही वाली होती लेकिन जाती नहीं, अब इनको लगता है कि इसको अस्पताल ले जाएंगे तो केस होगा, ये वो होगा, जब कई सारे लोग मिलकर इसको मार डालते हैं, इस तरह का बैकड्रॉप दिखाया गया। लेकिन लास्ट में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और लास्ट में ये भी पता चलता है कि ऐसा ही लोग ने शायद मारा नहीं था, कोई और बंदा था जो इससे उस लड़की को मारा था जिसका एक्सीडेंट हुआ है, मतलब बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीजें है। लेकिन हाँ, प्लॉट थोड़ा ट्विस्टेड है लास्ट में लेकिन काफी हद तक चीजें जो है प्रेडिक्टेबल है, मतलब एक ऐसी हॉरर फिल्म है जिसमें ज्यादा कुछ पहले हाफ में समझ में नहीं आता लेकिन सेकंड हाफ काफी बढ़िया है। लेकिन हाँ, फिल्म बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल थी और बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हमने देखी है ऐसी फिल्म में, तो बहुत ज्यादा कुछ नया देखने को हमें नहीं मिला शायद, जिससे मैं फिल्म को कुछ ज्यादा अच्छी तरह से रेटिंग दो, कुछ क्या बोलते चिलिंग मोमेंट्स है क्योंकि हॉरर फिल्म मैंने काफी देखी है, शायद इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा होगा, ये हो सकता है। वैसे भी जो थिएटर की फिल्में OTT पे देखते हैं या फिर ऑनलाइन देखते हैं तो उसमें उतना मजा नहीं दे पाता, ये भी चीजें समझते हुए, हर चीज समझते हुए मुझे लगता है फिर भी ये फिल्म आराम से 60% डिजर्व करती है फर्स्ट क्लास रेटिंग, क्योंकि फिल्म में खामियां है लेकिन फिल्म फिर भी एक एंटरटेनिंग है। मेरे ख्याल से लैंग्वेज बैरियर जरूर होता है समझने में जानने में, क्योंकि मैं इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख रहा था, सो आई डोंट नो राइट एग्जैक्टली कन्नड़ा लैंग्वेज, तो मे बी कन्नड़ा फैंस जो कन्नड़ लैंग्वेज में देख के हो कन्नड़ा में रिव्यू करेंगे उनको ज्यादा शायद समझ में आए फिल्म। बट आई थिंक ओवरऑल द वीकेस्ट पार्ट जो मुझे लगा, परफॉर्मेंस काफी वीक था, स्टोरी भी काफी वीक थी, हाँ एग्जीक्यूशन थोड़ा ठीक ठाक था, बट इट डजंट मैटर इफ योर स्टोरी एंड परफॉर्मेंस आर नॉट अप टू द मार्क, बट स्टिल इट्स ए गुड अटेम्प्ट। बट यस, पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत अच्छी अच्छी कन्नड़ फिल्में देखी है, सो आई वॉन्ट दिस मेकर्स टू मस्ट लुक एट इट की आर मेक ए गुड फिल्म विथ योर होल हार्ट एंड आई होप अच्छी अच्छी फिल्में कन्नड़ इंडस्ट्री से और भी आए। मेरी तरफ से रेटिंग मैंने ऑलरेडी बता दी है, ऑलमोस्ट मेरी रेटिंग 3 स्टार रहेगी आउट ऑफ 5, और वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा।